हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रूह अफ़ज़ा शरबत बनाना सिखाऊंगी। रूह अफ़ज़ा शरबत गर्मी में राहत देता है और हमें ताजगी और स्फूर्ति भी प्रदान करता है। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और यह टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए हमें निम्न वस्तुओं की आवश्यकता होगी। शक्कर, शुगर 1 किलो, पानी 400 ml, साइट्रिक एसिड 5 ग्राम, नॉर्मल खाने की स्पून से हम 1 चम्मच ले लेंगे, केवड़ा एसेंस 3 ml, वाइट रोज एसेंस 5 ml, रसभरी रेड कलर इच्छा अनुसार, हमें जितना डार्क कलर चाहिए होगा उतना हम कलर लेंगे, लेकिन ज़्यादा कलर भी नहीं लेना है अन्यथा शरबत जो है वो कड़वा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 5 ml कलर लिया है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो आपको मॉकटेल और स्क्वैश की न्यू रेसिपीज मिलती रहेंगी। एक भारी तली के बर्तन में हम 400 ml पानी ले लेंगे। अब हम इसमें 1 किलो चीनी ऐड कर देंगे। अब हम गैस ऑन कर देंगे और चीनी को घुलने तक पकने देंगे। इसी तरह से हम धीरे धीरे चलाएंगे और चीनी को घुलने देंगे। इसी तरह से हम चीनी को चलाएंगे। रूह अफ़ज़ा शरबत बनाना बहुत ही आसान है और मैं जो आपको मेथड बता रही हूँ इससे यदि आप शरबत बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट की तरह ही लगता है। तेज आंच पर चीनी को चलाते हुए हमें 4 मिनट हो गए हैं और चीनी भी लगभग घुलने पर आ गई है। यदि आप तेज आंच पर चीनी को पकाएंगे तो आपको लगातार चलाना है। ये देखिए चीनी लगभग घुलने पर आ गई है। ये देखिए चीनी घुल चुकी है। अब हम इसे साफ करने के लिए इसमें 5 ग्राम साइट्रिक एसिड का डालेंगे। साइट्रिक एसिड की विशेषता होती है, एक तो ये चीनी को भी साफ करता है और चीनी को जमने भी देता है और ये हमारे रूह अफ़ज़ा शरबत को भी प्रिजर्व करके रखता है। ये देखिए चीनी साफ होने लगी है। अब हम जो गंदगी है जो ऊपर आ रही है इसे हटा देंगे हम। अब हम 1 से 2 मिनट चलाएंगे। एक से दो मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमने एक बर्तन में छलनी लगा ली है और उसमें एक कपड़ा भी लगा लिया है। आप मलमल का कपड़ा ले सकते हैं। अब हम इसमें चीनी को छान लेंगे। चीनी छन चुकी है। अब हम चीनी को ठंडा होने देंगे। शरबत की चाशनी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें 100 ग्राम शहद मिलाएंगे और हम इसे धीरे धीरे चला देंगे। शहद मिलाने के बाद अब हम इसी तरह से इसमें चेरी रेड कलर भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे।
यहाँ पर मैंने 5 ml चेरी रेड कलर लिया है, आप चाहे तो ड्राई कलर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 3 ml केवड़ा एसेंस का डाल देंगे। और इसे धीरे धीरे चलाएंगे। पांच एम एल रोज एसेंस भी डाल देंगे और इसे हम धीरे धीरे चलाएंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। अब देखिए आपका बहुत ही टेस्टी रूह अफ़ज़ा तैयार है। आप इसे लस्सी के साथ, मिल्क शेक में या नॉर्मल स्क्वैश की तरह यूज कर सकते हैं। अब हम रूह अफ़ज़ा शरबत को एक साफ सुथरी बोतल में भर लेंगे। अब हम एक रफ कपड़ा ले लेंगे और बोतल के नीचे एक प्लेट रख के अब हम इसे फनल की सहायता से इसमें भरेंगे। इस तरह से हम पूरी बॉटल को भर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमने रूह अफ़ज़ा शरबत को एक एयर टाइट बॉटल में भर लिया है। इसे आप 3 से 4 महीने तक यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि हमें रूह अफ़ज़ा का स्क्वैश बनाना है तो हम 2 से 3 स्पून रूह अफ़ज़ा शरबत लेंगे और उसमें 1 ग्लास पानी मिला देंगे। यदि आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच पिसी हुई चीनी भी मिला देंगे। लीजिए, आपका बहुत ही टेस्टी रूह अफ़ज़ा शरबत तैयार है। आप इसे घर में बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।